नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 नवंबर 2021 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों बात होगी बैक पेपर परीक्षा डेट शीट 2021 को लेकर। आज की दोस्तों बड़ी खुशखबरी पहले हम आपके सामने रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूपी में इस समय, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी राहत दोस्तों मिली है। यूपी में दोस्तों पेट्रोल व डीजल के 12-12 रुपए दाम घटे हैं या सस्ता हो गया है। तो गाइस ये बड़ी अपडेट है। ठीक है, सीधे दोस्तों 12 रुपए घट गए। तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि इससे पहले सरकार हमसे कितना ज्यादा टैक्स वसूल रही थी भैया, पेट्रोल और डीजल को लेकर। तो एक बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद कुछ और बड़ी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। डीएलएड 2018 बैच तीसरे सेमेस्टर के परीक्षा के मतलब परिणाम जारी हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रथम सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हुआ, चाहे 17 बैच के हो चाहे 18। लेकिन दोस्तों इस बार का रिजल्ट कैसा है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि 18 बैच में प्रथम सेमेस्टर में 210,000 से ज्यादा बच्चे सम्मिलित हुए हैं, जिनमें से दोस्तों 8,286 बच्चे सफल हो गए। तो गाइस ये बड़ी खुशखबरी है, मतलब पास होने वाले छात्रों की संख्या इस बार बड़ी है। अभी जो हमारा 2019 बैच का द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हुआ था, उसका रिजल्ट बेहद खराब था। लेकिन ये वाला रिजल्ट दोस्तों काफी बढ़िया है उसके अगर कंपेयर किया जाए उससे। और देखिए 18 बैच के थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों 33,000 से ज्यादा बच्चों की बैक थी जो बच्चे शामिल हुए पेपर में, जिसमें से दोस्तों 21,969 बच्चे उत्तीर्ण हो गए। तो गाइस यहाँ पर पास होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है, जो कि एक बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, कुछ और बड़ी अपडेट देखिए दोस्तों। एक और अपडेट निकल कर आई कि अब शिक्षकों के अभाव में नहीं होगी प्रभावित बच्चों की पढ़ाई। कम शिक्षक वाले स्कूल में दोस्तों पढ़ाएंगे बीएड व बीटीसी के छात्र। जी हाँ दोस्तों, ये क्या मामला है, क्या नौकरी लग जाएगी या फ्री में पढ़वाएंगे, पूरी अपडेट को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों सीटेट 2021 परीक्षा की तैयारी के लिए सैंपल पेपर हुआ जारी। इस बार दोस्तों होगी ऑनलाइन परीक्षा। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोगों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, जहां से दोस्तों आप जो सीटेट का सैंपल है, सिलेबस है, सब कुछ डाउनलोड कर पाएंगे। एक और बड़ी अपडेट आई यूपीपीएससी। अब फर्जी प्रमाण पत्र लगाना अभ्यर्थियों को पड़ेगा भारी। जी हाँ दोस्तों, क्या मामला है इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड भी लागू होने से डीएलएड से घटता मोह, संकट में संस्थानों का दोस्तों अस्तित्व है। देखिए आपको बता दे, जो डीएलएड छात्रों ने मांग रखी है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड छात्रों को वरीयता मिले, आपको बता रहे जिस दिन दोस्तों वरीयता मिल गई या बीएड के छात्रों को प्राथमिक भर्ती से बाहर कर दिया गया, तो सोच लीजिएगा कि भैया बीएड के कॉलेज में फिर से ताले लग सकते हैं। ठीक है ना, मामला दोस्तों थोड़ा सा उल्टा जरूर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका नुकसान भी हो रहा है। देखिए हुआ क्या था, जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उसी समय दोस्तों बीएड के छात्रों को प्राथमिक भर्ती में मौका मिला। बीटीसी का उस समय दोस्तों हमारा 2015 का बैच था, डीएलएड 17 बैच सम्मिलित नहीं हो पाया था उस भर्ती में। अब पेपर निकट था तो बच्चे भैया धरना दे नहीं पाए कि बीएड को बाहर करो या ऐसा कुछ। और आपको बता दें, उसके बाद से आज तक अभी ऐसा कोई बड़ा धरना किया ही नहीं गया, जैसे हमारा प्रमोट का धरना चला था कि हमें प्रमोट चाहिए, लेकिन दोस्तों बीएड को बाहर करने का कभी धरना ही नहीं हुआ वैसा उस लेवल पर। नहीं तो हो सकता था कि कुछ और आज डिसीजन होता कि बीएड को मौका मिलता ना मिलता, या बीएड को दोस्तों मौका मिलता तो कुछ कंडीशन के साथ मौका दे दिया जाता। एक बात और आपको बता दें, बीएड के बच्चों ने अभी टीजीटी में भैया नौकरी हासिल की है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पड़ोस में, गाँव में कहीं ना कोई कोई बच्चा नौकरी पाया, तो आपको भी दुख इस बात का हो रहा होगा कि यहाँ पर हमें डीएलएड के छात्रों को मौका नहीं मिला। तो गाइस ये बड़ा धोखा है, ठीक है, सरकार का कि डीएलएड के छात्रों को मौका नहीं मिला, जबकि बीएड के छात्रों को प्राथमिक भर्ती में मौका दिया गया। या तो उनको भी मौका ना दे प्राथमिक में, और आपको दोस्तों मौका ना दे टीजीटी में, या अगर उनको मौका दे तो आपको भी मौका दे। तो भैया ये सरकार का दोहरा रवैया है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ये दोस्तों जो राहत है, बताइए 12-12 रुपए एक दिन में ये घटा दे रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपसे कितना ज्यादा पैसा वसूला जा रहा था। अब बताइए 12 रुपए सस्ता करने से क्या सरकार को नुकसान नहीं होगा? कुल मिला के आप ये समझ लीजिए भैया चुनाव आ गया, ठीक है ना, तो चुनाव की वजह से दोस्तों जो ये रेट है इतने ज्यादा डाउन हो गए। हो सकता है कि भी आगे आने वाले दिनों में कुछ और आपको रेट डाउन होते हुए दिखाई दे। चुनाव के बाद दोस्तों हो सकता है कि फिर से ये जो 12 रुपए घटे ना, 12 रुपए के बदले 24 रुपए बढ़ जाए। तो ध्यान रखिएगा ये सारी अपडेट्स को। बाकी अगर अभी तक आपने अपना रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है, तो यहाँ से डाउनलोड करें अपना रिजल्ट। कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमने आप लोगों के लिए लिंक दे रखा है, जहाँ से आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। या दोस्तों आपको पता है रिजल्ट के लिए कौन सी वेबसाइट है, DELEDRESULT.com, DELED
RESULT.COM। जी हाँ दोस्तों, आप इस वेबसाइट के माध्यम से, आपको देखिए यहाँ पर सारा लिंक दे दिया जाता है कि 18 बैच के बच्चे कैसे रिजल्ट डाउनलोड करें, 17 बैच के कैसे करें, 19 बैच के कैसे करें, और दोस्तों हमारा 2021 का नया बैच आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन दोस्तों शुरू होने वाला है। फिलहाल देखिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अब डायरेक्ट एडमिशन का भी दोस्तों नोटिस आ चुका है, तो यहाँ पर भी बच्चे एडमिशन लेंगे। और आपको बता दें सरकारी कॉलेज में सीटें खाली है। ठीक है, अगर आपका कोई जान पहचान वाला है जो कि डीएलएड करना चाहता है, तो आप उनका एडमिशन सरकारी में ही करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए सरकारी कॉलेज में क्या होता है कि सेम डे आवेदन लिया जाएगा और उसी दिन रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो अगर आपको ये बात पहले से पता होगी तो आपको फायदा होगा। यूपी टेट में दोस्तों तुक्का लगाने वाले छात्र ध्यान दें। देखिए यूपी टेट और सी टेट में बच्चे खूब तुक्का लगाते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। और देखिए याद रखिए एक बात कि अगर निगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं है तो आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए, पूरे के पूरे। यूपी टेट का पेपर 150 नंबर का होता है। आप ये मत सोचिएगा यार चलो हमें 120 क्वेश्चन आ रहा, बाकी हम क्वेश्चन छोड़ दें। गाइस यहाँ पर ऐसा कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आपको परीक्षा पास करनी होती है, आप पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करके आइएगा, ताकि दोस्तों आपके नंबर जो है अधिक से अधिक हो। देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं कभी कभी तुक्का लग जाता है, देखिए जब निगेटिव मार्किंग रहती है तब डर रहता है कि तुक्का लगाए कि ना लगाए। जो प्रश्न ना आए उसको फिर अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, अगर निगेटिव मार्किंग का पेपर है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि दोस्तों आपको फायदा मिले। तो चलिए एक एक करके पहले आज की अपडेट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए शिक्षकों के अभाव में अब छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से दोस्तों जिले के ऐसे विद्यालय चिन्हित किए जा रहे हैं जहां मानक के अनुसार छात्रों की तुलना में शिक्षकों की संख्या न के बराबर है। छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो इसके लिए विभाग की ओर से निर्णय लिया गया है कि बीएड, डीएलएड और बीटीसी के छात्र इन छात्रों को शिक्षित करेंगे। इससे दोस्तों उनका भी शैक्षिक अभ्यास होता रहेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को मीरगंज के कुछ विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जहां ब्रह्मा देवी बालिका इंटर कॉलेज और आरपी स्कूल में छात्रों की तुलना में शिक्षक की मतलब जो संख्या बेहद कम पाई गई। इससे दोस्तों पहले भी कुछ स्कूलों में यह स्थिति सामने आई। ऐसे में उन्होंने डैट प्राचार्य से बात कर बीएड, बीटीसी और डीएलएड के छात्रों को उन स्कूलों में पढ़ाने के लिए पत्र सौंपा जहां पढ़ाकर वे अपना शैक्षिक अभ्यास कर सके। इसके सारे दोस्तों शिक्षकों के अभाव में छात्रों की जो पढ़ाई है प्रभावित ना हो। बताया कि डायट प्राचार्य की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब ऐसे स्कूल चिन्हित किए जा रहे हैं जहां शिक्षकों का अभाव है। इन स्कूलों की दोस्तों सूची तैयार होते ही यह पहल शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, अभी तक दोस्तों आप लोगों की जो टीचिंग एक महीने के लिए लगती थी, अगर ऐसा रहा तो फिर लंबे समय तक आपको टीचिंग करना पड़ सकता है। सीटेट का दोस्तों लिंक हम दे देंगे। अब देखिए इस अपडेट को जरा देखिए, फर्जी प्रमाण पत्र क्या। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दोस्तों जो ये वैकेंसी थी, ठीक है, विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। विज्ञापन में भर्ती से जुड़े नियम निर्देश बताए गए हैं। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए दोस्तों नियम सख्त किए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र व अंक पत्र फर्जी मिलेगा उन्हें आयोग की सभी भर्तियों से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। भर्ती के लिए दोस्तों बुधवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, ये पूरा मामला है, ठीक है ना। बाकी दोस्त यहाँ पर जो डायरेक्ट एडमिशन की बातें हो रही थी ये वाला है, ठीक है, कि बीएड को इसमें मौका मिल रहा है। अब जरा दोस्तों देख लीजिए कहाँ पर कितनी है कीमत। दिल्ली में 105 रुपये पेट्रोल है, डीजल 88 रुपये। ठीक है, तो ये दोस्त अपडेट आ रही है। राज्य सरकारों से वैट कम करने का आग्रह किया गया है। तो गाइस देखिए सरकार को चाहिए कि भैया कितना सस्ता ये पेट्रोल डीजल हमारे देश में दे। तो पूरा मामला दोस्तों हम देखते रहेंगे, कवर करते रहेंगे सारी वीडियोज को, ठीक है ना। कटौती दोस्तों 4 नवंबर से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार की घोषणा से ईंधन की आसमान छूती कीमतों को नीचे लाने में मदद मिलेगी। और देखिए आप पहले समझिए, 30-35 रुपए दाम बढ़ाकर 5 रुपए 10 रुपए कम करने से कुछ होगा नहीं। ये केंद्र सरकार ने दोस्तों किया था 5 रुपए, देखिए 10 रुपए डीजल में घटाए, 5 रुपए इन्होंने पेट्रोल में घटाए, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 रुपए असम सरकार ने वैट घटा दिए तुरंत। उसके बाद दोस्तों यूपी में अलग अलग घटा, तो जैसे यूपी में 12 रुपए हो गया। तो ये अलग अलग अपडेट्स हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों कहीं पर आपको खुशखबरी भी मिली तो भैया आप 10 लीटर अगर आप पेट्रोल भराएंगे तो सीधे आपको 120 रुपये का फायदा होगा, ठीक है। आजकल लोग जो पेट्रोल डीजल भरा रहे ना, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो अब 150 वाला पेट्रोल भरा भी नहीं जाता क्योंकि 1 लीटर मिलता नहीं था, लेकिन अब दाम कम हुए तो आपको थोड़ा फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फेल छात्रों के लिए क्या खबर है। बैक पेपर परीक्षा की डेट शीट सब पर बातें कर ली जाए पहले, और आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए फेल छात्रों के लिए खबर क्या पहले समझ लेते हैं हम लोग। अब जिन बच्चों की बैक 2-3 सेमेस्टर में लग गई है, थर्ड का रिजल्ट आ गया, प्रथम का रिजल्ट आ गया, बैक लग गई है,
ठीक है, अभी हमारा फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, उसमें भी दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी बैक लग सकती है। देखिए, जिन बच्चों की बैक लगी है, अब वो बच्चे डिमांड करेंगे कि हमारी बैक परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाए। अगर आपका बैक पेपर नहीं होगा तो फिर आपका नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि बैक पेपर से आप जब तक आप बैक पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे, अपना बैक क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपको नई भर्ती में मौका भी नहीं मिलेगा। तब तक दोस्तों आपका डीएलएड भी तो इनकम्प्लीट रहेगा ना, तो डीएलएड को कंप्लीट करने के लिए आपको बैक परीक्षा पास करना बेहद जरूरी है। तो जो भी दोस्त इसकी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आएगी, उस अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देखिए, जो आपका पेपर होगा, सवाल दोस्त यहाँ पर यही था कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर का पेपर कब तक कराया जा सकता है। तो देखिए, आज हमारी तारीख 4 नवंबर हो चुकी है, तो गाइस जो हमारा पेपर की डेट शीट आएगी, देखिए अभी प्रमोट की नोटिस आना बाकी है। बिना प्रमोट के दोस्त ये फोर्थ का पेपर आपका कैसे कराएंगे? देखिए अभी जितने बच्चे 2019 बैच के हैं, जिनका भैया सेकंड सेमेस्टर क्लियर हो गया, जितने बच्चों की बैक थी क्लियर हो गया है, तो पहले इनको थर्ड में आपको प्रमोट तो करना पड़ेगा, प्रमोट का जो फॉर्म आता है उसको भराना पड़ेगा, फिर आपका फोर्थ होगा, फोर्थ के आधार पर ही थर्ड का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो एक और बात यहाँ पर ये कि स्कूटनी का फॉर्म बचा है अभी, जितने बच्चों की बैग लगी पहले उसके उसके लिए स्कूटनी के लिए आवेदन लेना पड़ेगा ना, तो स्कूटनी में भी कुछ बच्चे पास होंगे, तो हो सकता है कि स्कूटनी के लिए आवेदन ले, उसका स्कूटनी का रिजल्ट निकाले, उसके बाद दोस्त ये प्रमोट का फॉर्म भराए, उसके बाद ये फोर्थ का पेपर कराए। अगर ये प्रोसेस अपना लिया गया तो आप मान के चलिए 2-3 महीने का समय लग जाएगा। अगर दोस्तों डायरेक्टली एक प्रोसेस अपनाया जाता है कि चलो जो बच्चे पास हो गए उनको प्रमोट किया जाए और फोर्थ का पेपर कराया जाए, तो ये पेपर इसी महीने नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर में देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में। फिलहाल आप लोग दीपावली है सेलिब्रेट करिए, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।